जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए, यहाँ आजमगढ़ की गंगा जमनी तहजीब की इज्जत को कायम रखने के लिए इस बार वोट करने को तैयार है। हम जानते हैं घर परिवार में आया करते थे और अच्छा गाते हैं, तो हमारे यहाँ प्रोग्रामों में गाया भी गाया करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। और इस समय आजमगढ़ उपचुनाव में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अब्बास अंसारी यहां पर हमारे साथ मौजूद है, मऊ से विधायक हैं वर्तमान में, और यहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के प्रचार में उतरे हुए हैं, प्रचार में आए हुए हैं। तो इनसे पहले जानेंगे कि माहौल क्या है, क्या स्थिति है, और तीनों प्रत्याशियों के बारे में बात भी करेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले कुछ बयान दिया गया है। तो क्या माहौल है सर? कि माहौल बहुत अच्छा है, जनता मन बनाकर बैठी हुई है, 23 का इंतज़ार कर रही है। समाजवादी पार्टी का झंडा फिर से यहाँ बुलंद होगा। तो अभी हम सुन रहे थे आपको, आपने दोनों जो प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली हम दोनों और को निरहुआ, दोनों की बातें आपने करी हैं, तो निरहुआ के बारे में भी आपने कुछ तंज कसा है? देखिए तंज क्या कसा, मतलब कलाकार हैं तो कलाकार नहीं, हमारे गाजीपुर ज़िले के कलाकार हैं, और आज वो जो बने हैं वो कभी कल कुछ और भी तो रहे होंगे। हम उनको बचपन से जानते हैं, हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है, हमारे घर में भाई सांसद हैं, विधायक हैं 10-10 बार के, तो हम जानते हैं घर परिवार में आया करते थे और अच्छा गाते हैं, तो हमारे यहाँ प्रोग्रामों में गाया करते थे। यही बात मैंने कही। देखिए मेरी सीधी सीधी बात ये है कि जनता अपना वोट समझ चुकी है कहाँ देना है। जाति और धर्म में जनता फंसने वाली नहीं है, जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए, यहाँ आजमगढ़ की गंगा जमनी तहजीब की इज्जत को कायम रखने के लिए इस बार वोट करने को तैयार है। अच्छा, कुछ लोग बात कर रहे हैं कि पिछले जो आकलन है उसको देखते हुए कि 19 में भी 2.5 लाख वोटों से जीत हुई थी अखिलेश यादव की, और अगर हम 14 में जाएं तो वो 2.5 लाख वोट गुड्डू जमाली को मिला था, तो अंतर है नहीं फिर कुछ भी? देखिए लोगों की बात पर क्या कहें, 26 को रिजल्ट आ जाएगा, सब पता चल जाएगा, तो ये टिका टिप्पणी से बचा जाए और कोशिश ये किया जाए कि काम किया जाए अभी चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद जनता की सेवा किया जाए। अच्छा, एक बात और है कि अभी पिछले अभी विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं, उसमें भी कई लोगों का ये कहना था कि आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हम जीत ही चुके हैं चुनाव, और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि एकदम आत्मविश्वास में है कि धर्मेंद्र भैया चुनाव निकाल चुके हैं। देखिए आत्मविश्वास होना अलग बात है, अति आत्मविश्वास होना अलग बात है। अति नहीं है क्या? हमें आत्मविश्वास है, हम मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के साथ साथ जनता के जनसमर्थन को देख रहे हैं कि जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं इस बात से कि जनता सांप्रदायिकता और सामंतवादी ताकतों के खिलाफ, संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ, लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके बटन दबा करके इस बार फिर से पुनः समाजवादी पार्टी को यहाँ से लोकसभा का चुनाव जिताकर दिल्ली भेजेगी। एक सवाल और है कि 2019 में बसपा और सपा गठबंधन से चुनाव लड़ी थी, इस बार लेकिन तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, इसका कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? देखिए 26 को रिजल्ट आएगा तो कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। आपको क्या लग रहा है? मतलब देखिए लगने इस पे मत आइए, हम लोग तो पहले बात कम करते हैं, आपने मेरे चुनाव में पता नहीं मेरे बयानों को देखा कि नहीं देखा, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से जीत दर्ज होगी तो होगी। कितने वोटों का अंतर? अब ये देखिए ये सवाल अलग चीज़ें हैं, अब छोड़िए। कितना टारगेट कितना लिया? कोई टारगेट नहीं, जीत एक वोट से भी जो होती है उसको जीत कही जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे साथ अब्बास अंसारी, और आपने सुना इन्हें मैं लगातार आजमगढ़ से उपचुनाव की अपडेट आपको देता रहूँगा, तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी, तब तक के नमस्कार, और खुश रहें, स्वस्थ रहें।